फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, रनवे पर आती है। ओहो, कुछ दिन बाद क्या आया, पूरा सिस्टम बदल गया। वैसे जनरल डिब्बा आगे होता है या पीछे? पंखों के बिल्कुल नीचे होता है। ओहो, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। अच्छा है। से आए हो क्या? नो, अच्छा अंदर जो टीटी होता है वो कुछ चाय पानी लेके सीट तो देता होगा ना? टीटी नहीं, एयर होस्टेस होती है। ओके ओके, तो फ्लाइट कहीं बीच में वड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक के लिए रुकती है या बेचारे मुसाफिरों को भूखा ही लाया जाता है? अरे सर पूछने की क्या बात है, पता नहीं है तो पता नहीं बोलना। लगता है तुमने सिर्फ ट्रेन में धक्के खाए, कभी प्लेन में नहीं चढ़े हो। अब बोलो, ट्रेन हो या प्लेन, आखिर सफर ही करते हैं ना। प्लेन को क्या सोना लगाए जो तेरे जैसा फूल फूल लेके खड़ा रहेगा गमले में। नमस्ते, समझते हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? टॉयलेट का पाइप फूटा है, प्लम्बर भेजोगे? वाट नहीं लगेगी, वाट। पुणे की फ्लाइट कितने बजे आने वाली है? 10 मिनट में आएगी सर। ये 10 मिनट 15 मिनट का चूरन मुझे मत खिलाओ। लोनावाला क्रॉस किया, खंडाला पास किया, खोपोली पहुंचा कि नहीं अब तक? या साकी नाका पे ट्रैफिक जाम में अटका है? बोलो, फ्लाइट लैंड हो गई सर। ओके, थैंक यू। ड्रेस अच्छी है, कहाँ से सिलवाई? टेलर से सिलवाई सर। नहीं तो क्या मोची से सिलवाओगी? उम्र कितनी है तुम्हारी? काम पे पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकती। ओहो, तो कहाँ दोगी बताओ, मैं लेने आता हूँ। मुँह बंद करो वरना फ्लाइट अंदर घुस जाएगी। यही है मेरे डैड। मेरे गले लग जा। मेरे दोनों बाप। तू कहाँ गायब हो गया थारे चुन्नू? ये उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? मुंह से बात आ रही है। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। यार चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना, मैं बिना बताए यहाँ जो चलाया। अबे तू मेरा बेटा है, उसकी शक्ल तो मुझसे ज्यादा मिलती है। तू अपनी अक्ल मत लगा, जितना कहा है उतना ही कर। यार जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना, ओवर एक्टिंग कर बैठा। वेरी गुड, कम ऑन डैडी, गोली सामान ले आ। डैडी, डैडी। नमस्ते, आपका सफर अच्छा रहा ना? सफर कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं, नहाया कि नहीं? टिपिकल इंडियन फैमिली वाले सवाल। आस्क समथिंग न्यू मैन। वापस कब जाओगे? डैडी यही मेरी यही तुम्हारी शीला है, राइट? राइट। और ये है फादर बाई लॉ। करेक्ट। और ये है लड़की का भाई। मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इनका भाई हूँ। किसी के तो भाई हो ना, कहीं एरिया के भाई तो नहीं? डोले शोले अच्छे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो ना, इसलिए डोले बन गए। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करते हो? अरे सुनिए, आप भी कुछ कहिए ना बहन। कुछ बोल। इनके रहते हुए मैं क्या कहूँ, हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाती है। ये लड़की आपकी दूसरी बेटी, राइट? बोल रहा है। गलत, ये मेरी बेटी है। शक्ल से विलन लगता है, देख मेरा जादू, इसकी पूछ में आग लगाता हूँ। तुम्हारी लड़की भी तो शादी लायक है, मेरे बेटे जैसा उसे कोई मुन्ना भाई क्यों नहीं मिला? मांगलिक है क्या? और आग लगाऊं? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बेटा पूरा बाप पे गया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है इंदु? मैं समझी नहीं। अरे वही जो शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसे बुलाओ ना यहाँ। अच्छा वो मैं बस। अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसे बुलाना। तू वो मुझे नाराज होकर मुझे छोड़कर भाग गया। कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर उसके क्या बेसात? मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तेरी शक्ल पे बारह क्यों बज रहे? चले। हाँ, भूख लगी है। सुनो सब लोग, तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदु के कॉलेज जाओ, वहाँ के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है। 2 दिन में उस लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ। लेकर आता हूँ। अबे जूनियर आर्टिस्ट, तू यहाँ मामला सुधारने आया या बिगाड़ने आया? उस पहलवान को मिर्ची लगाने को तुझसे किसने कहा था? मैं शक्ल से क्या तुम्हें कॉमेडियन लगता हूँ? नकली बाबू तो क्या हुआ? तुमने मुझे पैसे दिए होंगे इस काम के लिए, पर आर्टिस्ट की भी इज्जत है। जूनियर आर्टिस्ट। यार यहाँ हो क्या रहा है? तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे, पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूँ तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूलना मत, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं भाई? बाप, सॉरी शहनशाह, मैंने आपकी शान में गुस्सा किया। शहनशाह किसे बुला रहे हो? सॉरी डैडी। अब अकल ठिकाने आई, आज इसकी इज्जत करो। सर,
आपको देखकर मुझे मेरे बीते दिन याद आ गए, सेम टू सेम, है ना? पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था, पर अभी तो मार मार कर मुझे खच्चर बना दिया इन्होंने। ये कन्नू मलिक के भाई है, बिना ताल के बजाया जा रहा है। तुम भी मेरी जैसे कॉमेडियन लगते हो, तुम इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना, कॉमेडियन से ट्रेजेडी किंग बन जाएगा। मेघना क्या कर रही हो? बाल बना रही हूं। ऐसे नहीं बनाते, हटो, मैं बनाता हूँ। ये मेरा खानदानी पेशा है। लेडीज लुक हियर, मैं बताता हूँ कि बाल कैसे संवारते हैं। हेयर स्टाइल करना एक आर्ट है। सुनो लड़कियों, बाल बनाना अब ये चिलगोजा सिखाएगा। हलवा है क्या? बाल बनाना कोई दाल बनाना नहीं है कि हल्दी डाला उबाल दिया हो गया। क्या तुम्हें बाल बनाना आता है? अरे हर तरह के बाल बनाता हूँ। पत्नी के बाल कभी बनाए? हाँ बहुत बार। अभी कुछ दिखा सकते हो? तो हो जाओ शुरू। किसका बनाऊं? किसी के भी बाल बनाकर दिखाओ। अब भी बनाता हूँ। किस पे दिखाओ? उंगलियों का जादू। ये क्या किया? काशी अंकल देखा कैसे उल्लू बनाया? काशी अंकल, ए अंकल रुको, मैं आपकी हेयर स्टाइल बनाता हूँ। थैंक यू दोस्त, ऐन वक्त पर उन कसाईयों को रोकाना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू, कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर, झूठ बोलना मेरी हॉबी है। निर्दोष लोगों को फंसाकर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्हीं ने भेजा? अरे मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या घंटा मारूंगा। तो तुमने ऐसा कहा क्यों? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है, ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस। टोटल 5 लाख मांगे, सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही गए। क्या करें, बेचारे मेंटल है इसलिए 5 में मांग गए। क्या मतलब? हाँ वो पागलों के पागल है। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हूं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है, एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा? एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घर वालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुंवारी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में, जा रहा हूँ। वो मार देंगे तुम्हें। क्या? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया, इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ, ये लायरा झूठ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने, तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया है। कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? रुको, समझ गया। इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा। यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात? नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने, अब इस मुसीबत से कैसे? देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन ए, पेड्डी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो। और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंती को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचा। वेरी गुड सर। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। यस। वैसे आपकी उम्र कितनी है? जस्ट 22। ओह, मेरी 16.5। झूठ बोल रहा है बमका गोला। मुझे चलेगा। चलो अब साथ मिलकर करते हैं पापा पापा प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं। कम ऑन, 1 2 3
फोर बस 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 सिक्स सेवन एट ये गिनती तो मुझे भी आती है, तुम मुझे डांस सिखाओ। हाँ चलो सिखो। ये हिप रुक 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 ये हिप अप हिप अप हिप अप इसके सिवा कुछ नहीं आता क्या? कुछ नया सिखाओ। ओके कुछ नया सिखाती हूँ। ओके ये है हिप। अब ये हिप है। ओके ये अप। ये अप है। ये हिप ये अप ये हिप ये अप ये हिप हिप अप हिप अप हिप अप हिप अप। अरे यार दिमाग कढ़ाई करना बंद कर। वो माइकल जैक्सन तुम्हारा डांस देखता तो दोबारा मर जाता। तुमसे अच्छा तो गली के कुत्ते डांस करते हैं। है? ओ, 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 तुम भी मुझसे अच्छा डांस करती हो। बिल्कुल। यानी तुम गली की कुतिया हो। तुमने मुझे गली की कुतिया कहा। But I love you. काशी अंकल प्रवीण का। अरे ए, प्रवीण जा अंदर जा यार जल्दी जा। ठीक है। आप यहाँ बैठे बैठे अकेले अकेले क्या कर रहे हैं काशी अंकल? पूजा मुझे भी दो। हाय अंकल। हेलो बेटा कैसी हो? नमस्ते। कैसे हैं सर आप? आप कितने दयालु। अकेले मुझे दे, तू बाकी के काम ले ले। ठीक है। ये कहाँ ले जा रहे हो? सब खाने में लगे रहेंगे तो काम कैसे होगा? क्या रे इनसे मेहनत करवा रहा है और खुद खाना खा रहा है? कल तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, सारा काम मैं अकेला कर लूंगा। जाने दीजिए ना, बाहर वाले हमारा किला क्यों उठाएंगे? और फिर ये नई जनरेशन है, इनसे काम धंधा नहीं होगा। खाने के अलावा इसे और कुछ आता है? चल हट। मैंने कहा था ना मिल बांट के। अब देखना श्रीराम को फोन करके इसकी कंप्लेन करता हूँ। बैठो बराती हो बैठ कर खाना खाओ आराम से। शाम के मेनू में क्या चाहिए बता देना। कैसी रही? मुझसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, देख लेंगे। बहुत छोटा लग रहा है ना तू? केला खाएगा? ले खा खा खा। लगी है ना तुझे? ले ले खा खा खा। ए केला उठा के अंदर रख।